कोई भी हमारे वोटर्स को कुछ भी परेशानी ना हो, इसलिए ये रूट मार्च किया जा रहा है। गुलबर्गा शहर में डिप्टी कमिश्नर और इलेक्शन इंचार्ज यशवंत वी गुरुकर आईएएस और चेतन आर आईपीएस पुलिस कमिश्नर कलबुर्गी सिटी की हिदायत पर आज सेंट्रल रिजर्व पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से रूट मार्च किया गया। दंगा हफ्त गुम्मत से मिजगोरी से होते हुए जवारे हिंद स्कूल से, खमर कॉलोनी से, रामजी नगर से होते हुए यदुल्ला कॉलोनी तक रूट मार्च किया गया। श्री भुवनेश पाटिल आईएएस नॉर्थ इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर और डीसीपी अद्रुष श्रीनिवास सलू, एसीपी दीपा मेमन की निगरानी में ये रूट मार्च किया गया। इस मौके पर रोजा पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर और उनकी टीम रफीक हेड कांस्टेबल मोहम्मद नसीर वैजनाथ नित्यानंद मौजूद थे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। सबको नमस्कार, मैं गुलबर्गा 45 नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी का रिटर्निंग ऑफिसर भुवनेश पाटिल। आज हमने पुलिस और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के साथ आज एक रूट मार्च किया है। ब्रीफ देना चाहता हूँ क्योंकि हमारे कुछ कुछ वल्नरेबल पॉकेट्स होते हैं जिसमें कोई कैंडिडेट्स आके या पार्टीज आके वोटर्स को डरा धमका के या पैसों के पैसे लेके उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो इसलिए उनको बताने के लिए, वोटर्स को बताने के लिए कि आपको कोई भी डरा धमका कैसे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, हमारी पुलिस हमारी फोर्सेस आपके साथ है। ऐसा कोई भी आपको अगर कंप्लेंट आता है तो आप हमारे ऑफिस में डायरेक्टली कंप्लेंट कर सकते हैं, वीडियोज वगैरह लेके हमको इन्फॉर्म कर सकते हैं। और हमारा जो ये आने वाला चुनाव है वो फ्री एंड फेयर हो, विदाउट एनी इंसिडेंट्स, कोई भी बुरा इंसिडेंट्स ना हो, कोई भी हमारे वोटर्स को कुछ भी परेशानी ना हो, इसलिए ये रूट मार्च किया जा रहा है। यदुला कॉलोनी से लेके हम लोग अलग अलग एरियाज में वल्नरेबल पॉकेट्स में जाके आज ये रूट मार्च किए। ऐसा रूट मार्च अभी और आने वाले दिनों में भी 2-3 बार करेंगे हम लोग। ये खाली वोटर्स को बताने के लिए कि आप लोग कोई भी वोटर किसी भी कैंडिडेट से या किसी भी पार्टी से अननेसेसरी इन्फ्लुएंस ना हो पैसे के कारण या फिर दरा धमकाने के कारण। ऐसा कुछ होता है तो तुरंत आप लोगों को हमारे ऑफिस में इन्फॉर्म करना है। थैंक यू।